नमस्कार, मैं एस के सर अनुराग अकेडमी सिसवारा में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग, हम लोग चल रहे हैं पढ़ने एक नई टॉपिक, जिसमें मैं आपको बता दूं मेरा 3-4 दिन क्लास डिस्टर्ब रहा समय ना मिलने के कारण और कुछ स्वास्थ्य गड़बड़ होने के कारण। तो मेरा जो पिछला क्लास था वो क्लास था मेरा स्त्री जनन तंत्र। स्त्री जनन तंत्र में हम लोग अधिकांश टॉपिक जान लिए थे और इसके आगे का जो मेरा क्लास है वो है मंथ साइकिल, यानी स्त्रियों में मासिक चक्र की क्रिया। अब हम लोग आज स्त्रियों में मासिक चक्र की क्रिया के बारे में जानेंगे, ये क्या है। अब हम लोग जानते हैं स्त्रियों में मासिक चक्र की क्रिया कुल कितने दिनों की होती है। लगभग 28 दिनों का चक्र पाया जाता है। इस 28 दिनों के चक्र में 4 प्रावस्थाएं पाई जाती हैं, 4 अवस्थाएं पाई जाती है। इन्हीं 4 अवस्थाओं से होते हुए यह चक्र चलता रहता है। इसी चक्र के किसी अवस्था में प्रारंभ प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ अवस्था में ही फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है, फॉलिकल का निर्माण होता है। इन्हीं सब क्रियाओं के पश्चात फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। हम लोग जानेंगे कि कब फर्टिलाइजेशन होता है, कब फॉलिकल बनती है, कब कार्पस ल्यूटियम बनता है, इसके बारे में इसी क्लास में जानेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। तो हम लोग जरा देख रहे हैं, यहाँ पर है मंथ साइकिल। मैं एक बार बता दूं आपको, ये अभी भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, जिससे कि मैं जब भी वीडियो प्रोवाइड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आराम से मिल जाए। और दूसरी चीज मैं बता दूं कि ये मेरा कक्षा 12 का पहला चैप्टर चल रहा है। पहले चैप्टर की हमें लगता है ये 4थी या 5वीं टॉपिक है, तो मैं टॉपिक वाइज वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। आपको कक्षा 12 का संपूर्ण सिलेबस पढ़ने को मिलेगा, जिसमें आपको जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान का क्लास चल रहा है। तो यहां से आप जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान पढ़ेंगे। यहां तक मैं बता दूं, ये जो टॉपिक आपकी शामिल की गई है ये बायोलॉजी टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कक्षा 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कक्षा 11 और 12 का ये क्लास चल रहा है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग देख रहे हैं मासिक चक्र, मंथ साइकिल के बारे में। ये मासिक चक्र होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हमने सबसे पहले बताया कि मासिक चक्र कुल कितने दिनों का होता है, लगभग 28 दिनों का एक चक्र होता है। इस मासिक चक्र को या मंथ साइकिल को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स का नाम है FSH और LH हार्मोन्स, अर्थात FSH और LH हार्मोन्स मासिक चक्र को कंट्रोल करने का कार्य करता है। क्या करता है? कंट्रोल करने का कार्य करता है। ओवरी में, इसी प्रकार ओवरी में लगभग 20 लाख जर्म सेल पाई जाती है। किसमें? ओवरी में लगभग 20 लाख जर्म सेल पाई जाती है, जिससे ओवा का निर्माण होता है। प्रश्न पूछा जाएगा ओवा का निर्माण किससे होता है, तो ओवा का निर्माण जर्म सेल से होता है। अर्थात 20 लाख जर्म सेल पाई जाती है जिससे ओवा का निर्माण होता है। और स्त्रियों में 50 वर्ष की उम्र तक लगभग 400 जर्म सेल फंक्शनल हो जाती हैं। 50 वर्ष की उम्र तक 400 जर्म सेल जो होती हैं वह ओवम में बदल जाती हैं। और एक टॉपिक मैं आपको बता दूं कि स्त्रियों में ये जो मंथ साइकिल का चक्र है ये 45 से 50 वर्ष तक ही पाया जाता है। अर्थात स्त्रियां गर्भवती या स्त्रियों में फर्टिलाइजेशन या स्त्रियों में बच्चे के जन्म की प्रक्रिया 45 से 50 वर्ष तक ही पाई जाती है। अब इसके बाद हम लोग दूसरा, यहां इसी में जब ये 400 जर्म सेल फंक्शनल हो जाती हैं तो फॉलिकल सेल का विकास होता है। इस फॉलिकल सेल का विकास FSH हार्मोन्स के द्वारा होता है। किससे होता है? FSH हार्मोन्स के द्वारा होता है। और ओवुलेशन, परिपक्व अवस्था जो होती है वो LH हार्मोन्स के
द्वारा होता है, अर्थात ओवुलेशन का विकास LH हार्मोन्स के द्वारा होता है। इस क्रिया के बाद मंथ साइकिल में कुल 4 प्रवस्थाएं पाई जाती हैं। कितनी प्रवस्थाएं पाई जाती हैं? 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं। नंबर फर्स्ट है मेंसुरेशन फेज। ये मेंसुरेशन फेज क्या होता है? मेंसुरेशन फेज 1 से 5 दिन का चक्र होता है। क्या? 1 से 5 दिन का चक्र होता है। यही चक्र एक ऐसा चक्र है जिसमें स्त्रियों में ब्लीडिंग की क्रिया पाई जाती है। तो इस 1 से 5 दिन के चक्र में क्या क्या क्रिया स्त्री के अंदर बॉडी में पाई जाती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। यहां मैं आपको बता दूं, साइकिल प्रारंभ होने से पहले, जैसे अभी साइकिल प्रारंभ नहीं हुई है, उसके पहले यूट्रस के इंडोमेट्रियम में जाने वाली आर्टरी, जिसे क्या कहते हैं? धमनी। हमने क्या कहा? साइकिल प्रारंभ होने से पहले यूट्रस के इंडोमेट्रियम में जाने वाली धमनी सिकुड़ जाती है, जिससे ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। क्या होता है? जिससे ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है और इंडोमेट्रियम कई खंडों में टूट जाती है। इसे मेंसुरेशन के रूप में, जैसे ही खंडों में टूट जाती है या टूटी हुई इंडोमेट्रियम मेंसुरेशन के रूप में बाहर आ जाती है। अर्थात अभी ये टूट गई, टूटने के बाद बॉडी से, फीमेल बॉडी से ब्लड के रूप में बाहर आने लगती है। अर्थात 1 से 5 दिन तक ब्लीडिंग की क्रिया पाई जाती है। ब्लीडिंग की क्रिया किसमें? स्त्रियों में 1 से 5 दिन तक पाई जाती है। इस क्रिया में एंडोमेट्रियम टूट करके क्या आने लगता है? बाहर आता रहता है। अब मैं बता दूं कि इस 1 से 5 दिन के चक्र में क्या होता है? 50 से 150 ml ब्लड की आवश्यकता होती है। कितने? 50 से 150 ml ब्लड की आवश्यकता होती है। सेकंड कंडीशन है प्री ओवुलेशन फेज। प्री ओवुलेशन फेज क्या होता है? ये 6 से 13 दिन का चक्र होता है। ये 6वें दिन प्रारंभ होता है और 13वें दिन समाप्त होता है। इसमें क्या होता है? 20 ग्रेफियन फॉलिकल का ग्रोथ होता है। अर्थात प्री ओवुलेशन फेज में 20 ग्रेफियन फॉलिकल विकसित होती है। इसमें से जो ग्रेफियन फॉलिकल विकसित होती है, इसके बाहर की लेयर को मिम्ब्रेन ऑफ ग्रेनुलोसा कहते हैं। इसके बाहर की लेयर को मिम्ब्रेन ऑफ ग्रेनुलोसा कहते हैं, जिससे सेकेंडरी ओसाइट का निर्माण हो जाता है। क्या बनता है? सेकेंडरी ओसाइट का निर्माण हो जाता है और इसी में मियासिस सेकेंड की क्रिया पाई जाती है, जो केवल और केवल मेटाफेज अवस्था तक ही पाई जाती है। कितना पाई जाती है? केवल मेटाफेज अवस्था तक ही पाई जाती है। ओवुलेशन थर्ड आता है, तीसरा ओवुलेशन फेज, ये 14 से 20 दिन की अवस्था होती है। इसी में 21 से 28 दिन का भी चक्र पाया जाएगा। तो इसमें ओवुलेशन फेज थर्ड में क्या होता है? 14वें दिन LH हार्मोन्स का श्रावण तेज हो जाता है। जैसे LH हार्मोन्स निकल रहा था, वो क्या कर रहा था? ओवुलेशन का कंट्रोल करता था, ओवुलेशन का विकास करता था। 14वें दिन LH हार्मोन्स का श्रावण तेज हो जाता है और ओवेरिकस डक्ट फट जाती है। जैसे ही LH हार्मोन्स का श्रावण बढ़ा, तेज हुआ, तुरंत ओवेरिकस डक्ट, ओवेरी ने ओवरीज की जो डक्ट लेयर्स है वो क्या कर जाती है? फट जाती है और सेकेंडरी ओसाइट फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। और जैसे ही फैलोपियन ट्यूब में सेकेंडरी ओसाइट जाता है, ये लगभग 24 घंटे तक वहीं पड़ा रहता है। कितने टाइम तक? 24 घंटे तक उसी फैलोपियन ट्यूब में सेकेंडरी ओसाइट पड़ा रहता है। यदि इस समय फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती है,
तो सेकेंडरी ओसाइट डिजेनरेट कर जाता है, डेड कर जाता है, मर जाता है। यदि इसी 24 घंटे के अंदर सेकेंडरी ओसाइट जब फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है उसी समय फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाए तो उनमें बच्चे का निर्माण हो जाता है। जैसे ही बच्चे का निर्माण होता है मेम्ब्रेन ऑफ ग्रैनुलेसा जहां फटी रहती है वहां क्या कर जाती है, जुड़ जाती है। हमने क्या कहा, यदि फर्टिलाइजेशन की क्रिया हुई तब तो आगे की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। हमने कहा फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो गई तो क्या होगा, इसमें से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स निकलता है और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स प्लेसेंटा का निर्माण कर लेता है और प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे की क्रिया आगे की तरफ बढ़ जाती है। यदि यदि फर्टिलाइजेशन क्रिया नहीं हुआ तो सेकेंडरी ओसाइट डीजनरेट कर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तब क्या होगा, मेम्ब्रेन ऑफ ग्रेनुलेसा जहां फटी रहती है, अभी मैंने कहा फट जाती है तो मेम्ब्रेन ऑफ ग्रेनुलेसा जहां फटी रहती है वह जुड़कर गोल संरचना बना लेती है जिसे कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, जिसे कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। और ये कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का श्रवण तेज हो जाता है और इसमें से एस्ट्रोजन रिलैक्सिन और इनहिबिटिंग हार्मोन्स का श्रवण होता है। इसी समय प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन से प्लेसेंटा का निर्माण हो जाता है। आप बात समझिए, जब सेकेंडरी ओसाइट फैलोपियन ट्यूब में आती है तो यह कितने समय तक रहती है, 24 घंटे तक पड़ी रहती है। और 24 घंटे ये किस समय की कंडीशन है, आप देखिए 14वें दिन की कंडीशन है। तो 14वें दिन तो 24 घंटा होगा नहीं, 14वें दिन के कुछ पहले आइए 13वां दिन और इसके आगे जाइए 15वां दिन। यदि फीमेल बॉडी में 13वें, 14वें, 15वें दिन प्रजनन क्रिया की जाए, रिप्रोडक्शन क्रिया की जाए या रिप्रोडक्शन होता है तो उस समय बच्चे के बनने की क्रिया या फर्टिलाइजेशन की क्रिया की बहुत अधिक संभावना होती है। 99% ये चांस है कि अब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और बच्चे का आगे की प्रक्रिया या जन्म की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो अब मैं एक बार फिर से इसके बारे में बता दूं, आप समझिए जरा। हमने कहा मासिक चक्र मंथ साइकिल या कुल लगभग 28 दिन का चक्र होता है। इस मंथ साइकिल को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स का नाम है FSH और LH हार्मोन्स। ये क्या करता है, ओरिज में लगभग 20 लाख जर्म सेल पाई जाती है जो ओम का निर्माण करती है। 50 वर्ष की उम्र तक 400 जर्म सेल क्या हो जाती है, फंक्शनल हो जाती है, अर्थात स्त्रियों में ये जो मंथ साइकिल की प्रक्रिया है 45 से 50 वर्ष तक पाई जाती है। और फॉलिकल सेल का जो विकास होता है वो FSH हार्मोन से होता है, ओवुलेशन का जो विकास होता है वो LH हार्मोन से होता है। मंथ साइकिल में कुल 4 अवस्थाएं पाई जाती है, नंबर 1 मेंसुरेशन फेज होता है। ये मेंसुरेशन फेज 1 से 5 दिन का चक्र होता है। इसमें साइकिल प्रारंभ होने से पहले यूट्रस के एंडोमेट्रियम में जाने वाली आर्टरी अर्थात धमनी फट जाती है, सिकुड़ जाती है। क्या होता है, एंडोमेट्रियम में जाने वाली धमनी क्या कर जाती है, सिकुड़ जाती है और ब्लड सप्लाई कई खंडों में क्या हो जाता है, ब्लड सप्लाई रुक जाती है और ये एंडोमेट्रियम कई खंडों में टूट जाती है और मेंसुरेशन के रूप में बाहर आ जाती है। इसी प्रकार 1 से 5 दिन तक एंडोमेट्रियम वॉल टूटकर बाहर ब्लडिंग के रूप में बाहर आती है, इसीलिए 1 से 5 दिन तक ब्लड सप्लाई चलता रहता है। और नोट में आप देख लीजिए कि मेंसुरेशन फेज को प्रारंभ आप 1 से 5 दिन तक चलने में 50 से 150 ml ब्लड की आवश्यकता होती है। दूसरी कंडीशन है प्री ओवुलेशन फेज में ये अवस्था 6 से 13 दिन की होती है। 6वें दिन क्या होता है, 20 ग्रेपियम फॉलिकल का विकास प्रारंभ हो जाता है। इसमें ये राउंड लाइक होती है और इसके बाहर एक लेयर में पाई जाती है जिसे मेम्ब्रेन ऑफ ग्रेनुलोसा कहते हैं।
क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन ऑफ ग्रेनु लोसा कहते हैं, जिससे सेकेंडरी ओसाइट का निर्माण हो जाता है। सेकेंडरी ओसाइट के निर्माण के बाद इसमें क्या होता है, मियासिस सेकेंड के मेटाफेज की अवस्था पाई जाती है। मियासिस सेकेंड के मेटाफेज की अवस्था पाई जाती है और मियासिस सेकेंड के मेटाफेज की अवस्था जैसे ही पाई जाती है, मैंने कहा मियासिस सेकेंड में ये अवस्था केवल मेटाफेज अवस्था तक पाई जाती है। और नंबर थर्ड जो आता है ओवुलेशन फेज, ये 14 से 20 दिन का चक्र होता है। इसमें 14वें दिन LH का श्रावण तेज हो जाता है, 14वें दिन LH हार्मोन्स का श्रावण तेज हो जाता है, जिससे ओवेरिकस डक्ट क्या कर जाती है, फट जाती है और सेकेंडरी ओसाइट फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। क्या होता है, सेकेंडरी ओसाइट फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है और पहुंच करके वह लगभग 24 घंटे तक रहता है। 24 घंटे 14वें दिन क्या होता है, पहुंचता है। इसके बाद यदि 13वें दिन प्रजनन हो या 14वें दिन तक प्रजनन होता है तो उनमें क्या होता है, इसके मेल का स्पर्म जाकर के फीमेल के ओवा से संयोग करके फर्टिलाइजेशन की क्रिया करता है। यदि कारा इस समय फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये क्या होता है, सेकेंडरी ओसाइट डीजनरेट कर जाती है, नष्ट हो जाती है। अब क्या होता है, इसके बाद मेम्ब्रेन ऑफ ग्रैनुलेसा जहां फटी रहती है वहां जुड़ करके एक गोल संरचना बना लेती है जिसे कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। हमने क्या कहा, कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, किसे, जब मेम्ब्रेन ऑफ ग्रैनुलेसा फटी रहती है वहां जुड़ जाती है तो संरचना कैसी हो जाती है, गोल हो जाती है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। इसी कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का श्रावण तेज हो जाता है और कुछ मात्रा में एस्ट्रोजन रिलैक्सिन और इनहिबिटिंग हार्मोन्स निकलता है। इसी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के श्रावण तेज होने से जैसे ही फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है प्लीसेंटा का निर्माण हो जाता है और आगे की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। तो अगला जो मेरा क्लास होगा वो होगा स्त्री जनन तंत्र में ओवरीज होगा, ओविडक्ट होगा, यूट्रस होगा, वेजाइना होगा, यूबला क्या होगा, अलवा भंग होगा या ब्रेस्ट होगा, इसके बारे में या स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी के बारे में हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। तो यदि अभी भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, जिससे कि मैं जब भी वीडियो प्रोवाइड करूं तो आपको उसका लिंक आसानी से प्राप्त हो सके।